शांति। जब महिलाओं की बात आती है, नारी समाज की बात आती है या नारी की बात आती है, तो नारी शब्द का जो अर्थ और भाव है या नारी शब्द की जो परिभाषा है वो नजरों के आगे आती है। हो सकता है आप में से कई बहनों को इस नारी शब्द के अर्थ और भाव का यथोचित परिचय न भी हो। नारी शब्द की संधि विच्छेद करते हैं तो ना अरी ना माना नहीं, अरी माना दुश्मन। जिसका कोई दुश्मन नहीं उसको कहते हैं नारी। परंतु बड़े खेद के साथ यह बात आज इस महिला वर्ष के आज के इस दिवस पर कहनी पड़ रही है कि नारी अस्तित्व जो है वो बहुत ही एक विशाल बेहद का अस्तित्व है, जिसकी परिभाषा प्रभु के साथ मिलाई गई है। कहते हैं प्रभु की पहचान क्या, जब प्रभु से ये प्रश्न पूछा गया तो प्रभु ने सिर्फ एक अक्षर में जवाब दिया कि इस धरती पर जो माँ है वो मेरा परिचय है। माँ और प्रभु ये दोनों करीब करीब भावनात्मक रूप से देखें या फिर गुणों के आधार पर देखें और शक्तियों के आधार पर देखें तो बहुत मिलता जुलता है। परंतु जैसे मैंने कहा कि खेद की बात है कि आज नारी ही नारी का सबसे बड़ा दुश्मन है। नारी का और कोई दुश्मन नहीं, लेकिन नारी ही नारी की दुश्मन बन करके और इस संसार के अंदर अपना परिचय दे रही है। परिचय उसे देना है उस परम पिता परमात्मा का, जो स्वयं प्रभु ने उसका परिचय दिया अपने परिचय के साथ। क्योंकि संसार के अंदर जब सभी हैंड्स अप करते हैं, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता, कोई सहारा देने आगे नहीं आता, तो उस समय प्रभु की ओर इशारा किया जाता है। यहां तक कि डॉक्टर्स भी जब किसी दर्दी को बचाने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं तो वह भी यही कहते हैं कि हमारे से जितने प्रयत्न होने चाहिए थे हमने किए, लेकिन अब ऊपर वाले के ऊपर है। यदि ऊपर वाले की दया कृपा या दुआ होगी तो कुछ मिरेकल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार
कहते हैं पूत कपूत भयो, परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। गुजराती में कहते हैं कोड बिना मोड़ो कंसार, माँ बिना सुनो संसार। तो प्रभु ने माँ को बना करके और अपने हाथ धो डाले। वो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है, सर्वश्रेष्ठ वो शिल्पकार है। स्वाभाविक ही जितना ऊंचे से ऊंचा मूर्तिकार होगा, कलाकार होगा, शिल्पी होगा, तो उसकी जो कलाकृति होगी वह भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। परमात्मा प्रथम माँ बना और माँ बन करके उसने इस सृष्टि की रचना रची और इस सृष्टि के ऊपर प्रथम रचना उसने ब्रह्मा के रूप में माँ की ही रची। भले कहने में ब्रह्मा पुरुष है, परंतु ब्रह्मा को कहते हैं स्थापना करता, अर्थात इस सृष्टि का रचयिता, और हर छोटे से संसार की रचयिता प्रथम माँ होती है। पिता भी साथ में है, लेकिन फिर भी गायन जो होता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, मातु पितु सहायक स्वामी सखा, प्रथम माँ का गायन। देवी देवताओं में भी आप देखें तो सर्वश्रेष्ठ युगल मूरत जो हैं, श्री राधे कृष्ण तो पहले राधे का ही नाम है, श्री लक्ष्मी नारायण तो पहले श्री लक्ष्मी जी का नाम है, श्री सीताराम तो पहले श्री सीता का नाम है। और हम भारत देश में जन्मे हैं, तो इस भारत की भूमि को भी भारत माता कहा गया है। जितनी भी हमारे भारत देश के अंदर नदियां बहती हैं, आप अक्सर उनके नाम जो देखेंगे, गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, ये सब नदियां नारी के नाम पर ही बहती हैं, और ये सभी नदियां पतित पावनी कहलाई है। इन नदियों के ऊपर कहां कहां मेले भी लगते हैं। तो माँ का संसार के अंदर बहुत ऊंचा गायन है, लेकिन क्या आज भारत की नारी ने अपने हृदय पर हाथ रख करके स्वयं से पूछे कि क्या वैसा ही विशाल हृदय अभी तक नारियों ने अपना बना के रखा है, या फिर नारी नारी में ईर्ष्या द्वेष करके और घर के अंदर दुख अशांति उनके बीज डालती है। आज घर घर की कहानी देखें तो बहुत करके मेजॉरिटी घरों के अंदर, घर ग्रस्त जीवन के अंदर, जैसे माँ और पुत्री है, ऐसे सासू और बहू है, ननंद और भौजाई है, ननंद और भाभी है, देवरानी और जेठानी है,
छोटी बहन बड़ी बहन है, लेकिन आज इन सभी संबंधों के अंदर विसंवादिता आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि आज नारी नारी को सुखी देख नहीं पाती है, जबकि नारी को देखते हुए सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, नारी को आगे बढ़ाना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी का आदर करना चाहिए। परंतु आज एक नारी दूसरी नारी का इतना आदर कर नहीं पाती है, इसलिए हमें आज यह विषय चुनना पड़ा। कहते हैं कि यह संसार एक बेहद का बड़ा नाटक है और हम सभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर एक्टर्स बनकर के और एक्ट्रेसेस बनकर के अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। परंतु इस बेहद के रंगमंच के ऊपर हम जितने भी अभिनेताएं हैं, अभिनेत्रियां हैं, उनमें भी मुख्य पार्ट जो होता है वो हीरो कहलाता है। हीरो कहने से मतलब एक्टर से नहीं है, भाई से नहीं, पुरुष से नहीं, माना जो मेन पार्टधारी होता है वो हीरो और हीरोइन कहलाते हैं। यदि लेडीज है तो हीरोइन है, और यदि पुरुष में है तो हीरो है। परंतु यदि इस बेहद के सृष्टि रंग मंच के ऊपर यदि हम देखें तो मुख्य पार्ट प्ले करने में नारी ही अग्रसर रही है। भले प्रभु को सभी याद करते हैं, परंतु यदि जीवन के अंदर चारित्र चाहिए तो चारित्र की निर्माता वो माँ है। यदि जीवन के अंदर बच्चों के जीवन के अंदर गुणों के बीज डालने हो तो भी माँ को ही याद किया जाता है और माँ ही ये गुणों के संस्कार उनमें डालती है। उसी प्रकार यदि शक्तियों का आवाहन किया जाए तो हमारे भारत देश की तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर बहुत सारी इष्ट देवियां और शक्तियां नारी के रूप में ही गाई गई है और पूजी गई है, और उसका प्रैक्टिकल त्योहार जो है आप सभी जानते हो कि नवरात्रि का त्योहार इन देवियों की, इन शक्तियों की याद में मनाए जाते हैं 9 दिन, और ये नवरात्रि का त्योहार, और ये 9 ही दिन सारे भक्त, चाहे पुरुष भक्त हो, चाहे स्त्री भक्त हो, चाहे शुद्ध विद्या हो, चाहे अशुद्ध विद्या हो, जो भी विद्या हो उसको पारंगत करने के लिए, उसकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इन देवियों के आगे, शक्तियों के आगे ही सर्व को नतमस्तक होना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों ने तो
वेदों ने यहाँ तक उनका गायन किया है कि 100 विद्यार्थियों के बराबर एक शिक्षिका या शिक्षक होता है, 100 शिक्षकों के बराबर एक प्राध्यापक होता है, प्रिंसिपल होता है, और 100 प्रिंसिपल के बराबर 100 प्राध्यापकों के बराबर एक गुरु होता है, 100 गुरुओं के बराबर। माताएं, आपके लिए ये बहुत एक प्रशंसा की बात है, गौरव की बात है कि 100 गुरुओं के बराबर एक माँ होती है, क्योंकि माँ के अंदर प्रभु ने कुदरती जो प्रभु के गुण हैं, वो सारे गुण उनके अंदर डाले हैं, परंतु वो जो गुण उनके अंदर डाले गए हैं, उन गुणों का प्रयोग और उपयोग सभी नारियां करती नहीं है। यदि नारी उन गुणों का, उन शक्तियों का, उन दिव्य कर्मों का प्रयोग करे, उपयोग करे, तो मैं आपको एक दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर आज लाखों विद्यार्थियों के बीच में ये अनुभव पाए हैं कि ये नारी नर्क का द्वार नहीं, परंतु नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी चाहे तो प्रत्येक घर स्वर्ग बन सकता है, परंतु नारी चाहे तो ये दो बीच में बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है। नारी उस ऊंचाई को नहीं देखती, लेकिन यही कहेंगे कि नारी उस ऊंचाई को छोड़कर और उसकी नजर नीचे की ओर रहती है, कंपैरिजन में, कंपटीशन में, और सदैव वो इसी मापदंड में रहती है कि मैं महान हूं या मेरी पड़ोसन महान है, मैं ज्यादा सुखी हूं या मेरी पड़ोसन ज्यादा सुखी है, मेरे घर में टीवी अच्छा है, महंगा है, कौन सी कंपनी का है, और पास वाले पड़ोसी के घर में कौन सा टीवी है। हर साधन में वह पड़ोसी के घर की ओर देखती है, ये नहीं सोचती कि मुझे अपना एक संसार मिला हुआ है और मुझे अपने इस छोटे से संसार को स्वर्ग बना के रखना है, मुझे अपने इस छोटे से संसार में जिसको मैंने जन्म दिया है, मुझे उसकी पालना करनी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, ना कि मेरा फर्ज और कर्तव्य दूसरों को देखने में या दूसरों की बातों को सुनने में है। प्रपंच और परचिंतन, ये आज नारियों का एक ऐसा शौक बन चुका है कि दूसरे के घर में क्या होता है वो जानने की जिज्ञासा उसके हृदय के अंदर बड़ी तीव्र होती है। तभी कहा गया कि जब किसी की भी निंदा की जाए, किसी के भी अवगुण का वर्णन किया जाए, किसी की भी कमजोरी पर हंसी मजाक की जाए, तब इंसान को अंगुली निर्देश करने से पहले क्या सोचना चाहिए। अंगुली ऐसे करने से बाकी की अंगुलियां किसकी ओर जाती हैं? स्वयं की ओर ही जाती है।
उसकी तरफ तो एक ही अंगुली है, लेकिन स्वयं के तरफ सारी अंगुलियां हैं। तो मैं यही कहूंगी कि यदि हम अपने जीवन के अंदर इस बेहद सृष्टि रंगमंच के ऊपर स्वयं को अभिनेता या अभिनेत्री समझते हैं, तो माताओं को मैं जरूर ये कहूंगी कि आप अपने बच्चों की आदर्श हीरोइन माना हीरो बनो, और हर बच्चा अपने माता पिता को हीरो और हीरोइन के रूप में ही, यानी कि आदर्श के रूप में ही सामने रखता है। जो माता पिता करते हैं वो बच्चा सीखता है, और बचपन से उसके अंदर ये संस्कार पड़ते हैं, और इसीलिए बचपन से ही माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के सामने कोई ऐसी अमर्यादित कर्म या क्रिया नहीं करनी चाहिए जो बाल मानस के ऊपर वो छप जाए। उस समय तो ऐसे लगता है कि छोटे बच्चे हैं, वो क्या समझे, वो तो बड़े भोले हैं, इनोसेंट हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन ये गलती मत करना आप लोग। बाल मानस के ऊपर जितना गहरा प्रभाव पड़ता है, उतना प्रभाव आप बड़ी उम्र होने के बाद कितनी भी कोशिश करोगे उनके मानस पर अपना प्रभाव डालने की, जो प्रभाव बाल मानस पर आपने अपने कर्मों से डाला, वो आप बड़े होने के बाद उसके मानस पर प्रभाव कभी नहीं डाल सकते। आप जो भी कर्म करते हैं, आप यदि बच्चे को यह भी सिखाते हैं कि देख तू यहाँ झूठ बोल देना, बच्चे को ये भी पता नहीं कि झूठ माना क्या, वो ये प्रश्न पूछता है कि झूठ बोलना माना क्या। ये हम सिखाते हैं उनको कि झूठ बोलना माना क्या, बुरा कर्म माना क्या, पाप माना क्या, ये नेगेटिविटी का परिचय बड़ों से उनको मिलता है। बाकी तो बाल मानस बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा निर्दोष होता है, बड़ा भोला होता है, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा साफ, बड़ा स्वच्छ होता है। आज बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। कहते हैं ना, एक बार एक राजा ने कहा कि इस राज्य के अंदर सबसे सुंदर से सुंदर जो बच्चा हो, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, वो सुंदर बच्चे को राज्य दरबार में लाया जाए। तो उस सभी अपने अपने राज्य में ढूंढने के लिए निकले। किसी ने किस चीज को लाया, किसी ने किस चीज को लाया, किसी ने क्या लाया, किसी ने क्या लाया। लेकिन उसमें एक सीधी भाई भी था, अफ्रीकन। आप लोग जानते हो एकदम काले होते हैं। उसने बहुत ढूंढा, उसको कोई सुंदर चीज दिखी नहीं, थक करके घर में लौटा। जैसे ही घर के द्वार पर वो प्रवेश कर रहा था, तो उसका छोटा सा बच्चा जो घुटनों के बल पर चलता हुआ और बहुत मुस्कुराता हुआ अपने डैडी को देख करके इतना खुश होकर के और उसको बाप पसार के जैसे बोल रहा था कि मुझे गले लगाओ। उसने उस बच्चे की मुस्कुराहट क्या देखी, उसको अंदर में क्लिक हो गया ये, अरे सुंदरता तो मेरे घर में ही पड़ी है, मेरे बच्चे जैसा सुंदर तो संसार में कोई है ही नहीं। तो माँ बाप की नजरों में बच्चे सुंदर होते हैं, प्यारे होते हैं,
जिगर के टुकड़े होते हैं, नैनों के तारे होते हैं, मस्तक के मुकुट होते हैं, क्या क्या मैं आपको बातें बताऊं। और ठीक वैसे ही बच्चों की नजरों में भी उनके माँ बाप होते हैं, परंतु वो स्थान बच्चों के हृदय में बना के रखना ये किसका काम है? ये बच्चों का काम नहीं, लेकिन ये माता पिता का काम है। और जो माता पिता ऐसा आदर्श अपना उन बच्चों के हृदय में अपना बना करके रखते हैं, वही सच्चे सच्चे अपने जीवन के, बच्चों के जीवन के और अपने छोटे से संसार के और इस बेहद के नाटक के रंग मंच के सबसे बड़े हीरो और हीरोइन। इसीलिए आप ही हो, आप चाहो तो अपने आधार पर अपनी तो जीवन चलाते ही हो, लेकिन बच्चों के जीवन की बागडोर जो आज हम देखते हैं कि बच्चे जो ही बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, धीरे धीरे उनकी लगाम माँ बाप के हाथ से छूटती चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? जबकि इतना माँ उन्हें प्यार देती है, माँ उनके लिए इतना सहन करती है, जन्म देने से पूर्व माँ उनको अपने पेट में पालती है, इतना उसके लिए त्याग करती है, ममता दिखाती है, खुद गीले में सोके और उसको सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रह के उसको खिलाती है पिलाती है, कितने काम करके जो काम उसको नहीं करने चाहिए, बर्तन मांझ के, कपड़े धो के, खाना पका के, सिलाई काम करके या फिर कहीं नौकरी करके वो अपने बच्चों को पढ़ा करके और आगे बढ़ाना चाहती है। जो माँ अपने बच्चों के पीछे इतना सब कुछ त्याग करती है, इतनी मेहनत करती है, उस माँ को वो बच्चे समय आने पर परवाह न करके और उसको छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? माँ बाप कहेंगे बच्चे आजकल की जनरेशन ऐसी है, समय ऐसा है, परंतु छोटों को दोष देना ये बड़ों के लिए शोभा नहीं देता। आप कहेंगे समय की हवा है, समय ऐसा चल रहा है, कली काल चल रहा है, समय बदल चुका है, विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है और विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि आज बच्चे होशियार हो गए हैं, माँ बाप उनके आगे अनपढ़ हो गए हैं। हाँ, माँ बाप उनके आगे अनपढ़ बेशक हो गए हैं, लेकिन जो माँ बाप के अंदर उनका आदर्श बनने का जो उनका भाग्य है, जो स्वयं भगवान ने भाग्य विधाता बन करके और उन बच्चों को उनके पेट में भेजा, वो माता कभी भी अपने उस भाग्य से वंचित नहीं होती और वो बच्चे कभी भी अपनी उस भाग्य विधाता माँ बाप को छोड़ करके कभी जा नहीं सकते। ओम शांति।